Welcome, dear champion. Myself Omdas Sharma. In today's lecture, we are focused on law of dominance. तो आज हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे, उसे क्वेश्चंस भी देखेंगे और कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? तो अभी तक हमने जो कंप्लीट किया है, ये कंप्लीट कर चुके हैं कि मेंडल ने कौन से कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, वो सेवन कैरेक्टर किस क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट थे, उसी के सीक्वेंस में अगला लेक्चर आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहला लॉ था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस ही। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें सीखना होता है सिंगल जीन इनहेरिटेंस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टडी बाई बाई सिंगल जीन इनहेरिटेंस, स्टडी बाई सिंगल जीन इनहेरिटेंस, जीन इनहेरिटेंस। बिल्कुल आपने सही सुना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने के लिए सिंगल जीन इनहेरिटेंस। सिंगल जीन इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता है तो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझना बेहद आसान होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से समझा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। बाकी दो लॉ हैं सेग्रीगेशन, वो भी मोनोहाइब्रिड की हेल्प से समझा जाता है, लेकिन डाईहाइब्रिड के लिए हम समझते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। तो अभी पहला पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टडी बाई सिंगल जीन इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये होता है बेटा कि सिंगल जीन्स F1 हेटरोजाइगस, मतलब मेंडल को जो F1 हेटरोजाइगस है उसमें से केवल एक ही करेक्टर, एक ही जीन्स डोमिनेंट होगा। इन F1 हेटरोजाइगस ओनली वन इज डोमिनेंट ओवर अदर। इन F1 हेटरोजाइगस, F1 हेटरोजाइगस के केस में ओनली वन जीन इज डोमिनेंट ओवर अदर। तो हेटरोजाइगस में से, F1 हेटरोजाइगस जो होगा उसमें से क्या, ओनली केवल एक ही जीन होगा, ओनली वन जीन इज डोमिनेंट ओवर अदर। केवल एक ही जीन ऐसा होगा जो कि डोमिनेंट होगा दूसरे के ऊपर, ठीक है? जैसे मैं बात करूं, हमारा जो F1 का फिनोटाइप है, F1 का फिनोटाइप, वो फिनोटाइप बता देगा कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है। F1 का फिनोटाइप जो हो सकता है वो डोमिनेंट हो सकता है, टॉल हो सकता है या डॉट हो सकता है। F1 का फिनोटाइप क्या है, दैट इज द डोमिनेंट करेक्टर। मैं कहा F1 का फिनोटाइप दैट इज डोमिनेंट करेक्टर, डोमिनेंट करेक्टर्स। कैसे, हमारे पास में F1 के पास, F1 में सपोज करो F1 फिनोटाइप, F1 जो था उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी थे, ये हमारा जीनोटाइप था। और जीनोटाइप का अगर हम कहते हैं कि ये टॉल फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम कहेंगे जो फिनोटाइप आया, टॉल क्या है, एक ही फिनोटाइप हो गया। डॉट क्या हो सकता है, डॉट एक फिनोटाइप हो गया, फिनोटाइप। तो टॉल भी फिनोटाइप है, यहाँ पे डॉट भी फिनोटाइप है, मतलब F1 का जो भी फिनोटाइप होगा इन दोनों में से एक ही फिनोटाइप आ सकता है कि या तो टॉल होगा या डॉट होगा। अभी ऐसा ही समझिए कि F1 का जो फिनोटाइप, जो करेक्टर देखा तो वही डोमिनेंट करेक्टर है। तो मतलब F1 फिनोटाइप दैट इज द डोमिनेंट करेक्टर। तो अगर जब भी क्रॉस कराया जाए दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के बीच में, उस कंडीशन में होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में जब भी क्रॉस होगा, जो भी फिनोटाइप F1 जनरेशन में आएगा दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे से अगर टॉल आता है तो कहेंगे टॉल इज द डोमिनेंट, टॉल इज द डोमिनेंट। अगर ये कैरेक्टर आता है डॉट शो करता है बाई चांस, तो कहेंगे ये डॉट वाला क्या है, ये डोमिनेंट। तो मतलब
डोमिनेंट कैरेक्टर दैट इज डिपेंड अपॉन फिनोटाइप, किस पे डिपेंड करेगा, फिनोटाइप। तो जो भी फिनोटाइप होगा दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, बात समझिए, फिनोटाइप ऑफ F1 दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। भाई सपोज अगर हमें तो टॉल ऑफ डॉर प्लांट तो हमें दिख जाते हैं, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, पहला एग्जांपल से सीखा कि हमने टॉल और डॉट को, अगर सपोज को प्लांट मेंडल के पास में दूसरा भी कैरेक्टर था, जैसे उन्होंने ले लिया कि कलर ले लिया सीड का कलर है, अगर सीड का कलर में देखा जाए तो सीड का कलर एक करेक्टर हो गया। अब इसका जब भी क्रॉस करा रहे हैं कि ये कैपिटल सीड का कैरेक्टर कैपिटल आर हो सकता है राउंड, और स्मॉल आर स्मॉल आर, तो आर क्या है राउंड होगा फिनोटाइप, और इसका होता है रिंकड, रिंकड। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में क्रॉस हो गया, ये क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमो जाइगस डोमिनेंट, और ये यहां पर है होमो जाइगस रिसेसिव, होमो जाइगस रिसेसिव। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, जो भी F1 जनरेशन होगी कैपिटल आई स्मॉल आई, अब इसमें से ये कैसी होगी, ये राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, आपको कह सकते हैं। भाई हमारे पास में कलर दो तरह की सीड है, जिसका कलर कुछ का कलर कुछ का शेप राउंड है, कुछ का शेप रिंकल्ड है, अब कैसे कहेंगे कौन सा वाले कलर ही ले लें, कुछ का येलो कलर है कुछ का ग्रीन कलर है, अब ग्रीन कलर डोमिनेंट है या येलो कलर डोमिनेंट है, तो कैसे डिसाइड किया जाए विच वन इज द डोमिनेंट। तो मैं बोले F1 जनरेशन होगी, दिस इज द F1 जनरेशन, तो F1 का जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर्स, डोमिनेंट करेक्टर्स, तो बात समझ में आई, तो फिनोटाइप ऑफ F1 दैट इज डोमिनेंट करेक्टर्स, अगर ये मिल रहे हैं राउंड तो हमारा राउंड क्या है यहाँ पे डोमिनेंट, अगर ये हो तो रिंकर्ड तो होता हमारा डोमिनेंट करेक्टर, मतलब दोनों में से एक ही करेक्टर क्या होगा डोमिनेंट होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। तो बात समझ में आई, तो इस कैपिटल टी और स्मॉल टी में से एनी वन इज द डोमिनेंट, एनी वन इज डोमिनेंट, तो कोई भी एक डोमिनेंट होगा, अगर ये कैपिटल टी का फिनोटाइप आता है तो फिनोटाइप आता है तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, अगर स्मॉल टी का फिनोटाइप आता है तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, केवल दोनों में से एक ही डोमिनेंट होगा, दोनों डोमिनेंट नहीं होंगे। तो अभी मेंडल का कहना था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो भी कैपिटल टी स्मॉल टी F1 का जो भी जीनोटाइप होगा उसमें से जो फिनोटाइप आएगा दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, तो दैट मे बी टॉल दैट मे बी डॉल, अभी इतना समझिए ठीक है, तो बात समझ में आई, तो फिनोटाइप ऑफ F1 दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। अब चलो ये तो बात होगी, अब इस बात में यहाँ पर कहूंगा कि तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका नंबर ज्यादा अपेयर होगा, जब भी F2 जनरेशन आएगी तो वहां पे देखोगे डोमिनेंट फिनोटाइप्स दे आर मोर इन नंबर, तो डोमिनेंट इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप इज, डोमिनेंट फिनोटाइप F2 जनरेशन जो डोमिनेंट फिनोटाइप होगा आर प्रेजेंट, प्रेजेंट इन मोर नंबर, मोर नंबर, तो उसका नंबर काफी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो लगभग कहेंगे ये लगभग 70% प्रेजेंट होता है, ज्यादा नंबर में जो भी करेक्टर अपेयर हो रहा है, ज्यादा नंबर में जो करेक्टर दिख रहा है दैट इज द डोमिनेंट करेक्टर। भाई प्लांट पर फ्लावर देखेगी, कुछ येलो कलर के कुछ कुछ व्हाइट कलर के हैं और कुछ है वायलेट कलर के, तो फ्रेंड को दिखा कि वायलेट कलर का करेक्टर ज्यादा है फ्लावर का कलर, फ्लावर पे प्लांट पी प्लांट में जो वायलेट कलर के फ्लावर्स हैं दे आर मोर इन नंबर कंपेरेटिव टू व्हाइट कलर फ्लावर्स, तो कौन सा डोमिनेंट होगा, तो उस कंडीशन में कहते हैं वायलेट जो होगा दैट आर डोमिनेंट, टॉल प्लांट का नंबर ज्यादा है 75% तो टॉल इज द डोमिनेंट करेक्टर्स, पॉड का शेप जो है इनफ्लेटेड ज्यादा है दैट इज द डोमिनेंट करेक्टर्स, तो जितने भी सेवन पेयर ऑफ करेक्टर थे
सभी में से जिसका नंबर ज्यादा मिल रहा था है, ठीक है, F2 जनरेशन में, दैट आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो डोमिनेंट फिनोटाइप दैट में कोई भी हो सकता है, मतलब कैसे डिसाइड कर रहे हैं वो F1 के फिनोटाइप से पता कर सकते हैं, और F2 में का पता करना है कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होगा, तो हम किस पे जाएंगे, हम देखेंगे परसेंटेज, चेक करेंगे F2 का परसेंटेज देखेंगे, जिसका भी F2 में परसेंटेज ज्यादा होगा, जिस भी कैरेक्टर का ज्यादा होगा, जो 75% कम से कम प्रेजेंट है, दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो डोमिनेंट डोमिनेंट कैरेक्टर्स, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप आ रहा है दैट इज द डोमिनेंट फिनोटाइप, F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप 75% है या ज्यादा नंबर में है दैट इज द डोमिनेंट फिनोटाइप। तो बात समझ में आई। तो केवल मैंने दो पॉइंटों से आपको ये सिखाया कि डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या है। तो पहला पॉइंट हो गया कि इसको स्टडी करने का सिंगल जीन इनहेरिटेंस से स्टडी करेंगे। सेकंड पॉइंट हो गया F1 का जो फिनोटाइप है दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो किसी भी कैरेक्टर को जब भी क्रॉस कराएंगे जो F1 का फिनोटाइप होगा दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। और तीसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, F2 जनरेशन में अगर डोमिनेंट फिनोटाइप जो होगा वो ज्यादा नंबर में होगा, 75% में प्रेजेंट होगा, दैट इज द डोमिनेंट फिनोटाइप। बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो कैसे, डोमिनेंट फिनोटाइप जो होगा, डोमिनेंट फिनोटाइप जो अपेयर होता है वो हेटरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों कंडीशन में अपेयर होता है, इसी वजह से वो ज्यादा नंबर में है। पॉइंट क्या है कि वो 75% होता है डोमिनेंट कैरेक्टर्स। क्यों होता है? बिकॉज डोमिनेंट फिनोटाइप्स अपेयर इन, तो दो पॉइंट यहां पे याद रखने हैं कैसे अपेयर होगा। पहला पॉइंट क्या है, दे आर अपेयर इन होमोजाइगस कंडीशन। दूसरा, दे आर अपेयर इन होमोजाइगस कंडीशन और हेटरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन क्या है? यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है हमारा कैपिटल टी, हेटरोजाइगस कंडीशन कैपिटल T स्मॉल t, मतलब इन दोनों कंडीशन में अपेयर होता है कौन सा, डोमिनेंट फिनोटाइप। तो मैं बड़े सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में सिखाया कि होमोजाइगस कंडीशन और हेटरोजाइगस कंडीशन में अपेयर होता है कैरेक्टर्स, दैट कैरेक्टर इज डोमिनेंट कैरेक्टर्स, डोमिनेंट फिनोटाइप। तो इसलिए जब दोनों कंडीशन अपेयर होगा तो इसका परसेंटेज बढ़ जाता है, अबाउट 75% हो जाता है डोमिनेंट फिनोटाइप। अब देखते हैं कि जो भी रिसेसिव कैरेक्टर होगा, रिसेसिव फिनोटाइप जब भी अपेयर होगा, रिसेसिव फिनोटाइप्स अपेयर अपेयर इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली, अपेयर इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली। क्या सुना आपने? कंडीशन ओनली लिखा मैंने। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या है? यहाँ पे स्मॉल t की बात कर रहे हैं हम। तो जब भी ये कंडीशन होगी उसी कंडीशन में रिसेसिव कैरेक्टर आएगा, आएगा रिसेसिव, रिसेसिव कैरेक्टर अपेयर होगा किस कंडीशन में, होमोजाइगस। तो मतलब ऑटोमेटिकली जो कैरेक्टर होमोजाइगस और हेटरोजाइगस कंडीशन में अपेयर होता है उसका नंबर ज्यादा दिखेगा, और जो कैरेक्टर्स केवल होमोजाइगस कंडीशन में अपेयर हो रहा है तो वो उसका नंबर कम ही होगा। अब इसको एक क्रॉस से समझते हैं। कोई भी अगर एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे मैं करूं यहाँ पे कि एक कैरेक्टर ले लिया, वन कैरेक्टर मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, वन कैरेक्टर, और वो वन कैरेक्टर क्या है, वो वन कैरेक्टर ने मैंने कोई भी ले लो, जो सा आपको मन करे सेवन में से कोई सा उठा लो। तो हमने अगर एक प्लांट, एक कैरेक्टर ले लिया, प्लांट की हाइट, क्या ले लिया, प्लांट की हाइट, और इस प्लांट की हाइट से ही मैं सिखाऊंगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्रॉस। तो प्लांट की हाइट क्या हो सकती है, दो ही हो सकती है, या तो प्लांट टॉल होगा
यह प्लांट होगा डॉर्फ होगा, तो टॉल होगा तो इसका होमोजाइगस होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, और डॉर्फ का होमोजाइगस रिसेसिव, तो होमो जाइगस टॉल, और इसका क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो ये अपेयर होगा कि हमने होमोजाइगस टॉल लिया कैपिटल टी कैपिटल टी, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी स्मॉल टी। तो दोनों साइड से जब गैमेट बनेंगे तो इधर से गैमेट जब बनेंगे गैमेट्स, तो गैमेट्स बनते हैं तो एक ही टी आएगा, ये एक जैसे हैं तो एक ही टी आएगा। अब दोनों का फ्यूजन होगा, जब दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारी पहली जनरेशन हो जाएगी जिसको कहते हैं F1 जनरेशन। अब इसका फिनोटाइप जो होगा, इसका फिनोटाइप अगर हम कहें इसे कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर, तो स्मॉल टी तो नेगेटिव हो जाएगा, अब कैपिटल टी डोमिनेंट हो जाएगा, तो कैपिटल टी की वजह से करेक्टर होता है टॉल, तो इसलिए यहाँ पे फिनोटाइप क्या आ जाएगा, टॉल फिनोटाइप होगा। क्या होगा, टॉल फिनोटाइप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी ने स्मॉल टी के जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दिया या वो रिसेसिव रह गया, एक ही कैरेक्टर डोमिनेंट है। अब इसकी जब सेल्फिंग कराएंगे, जब इसकी सेल्फिंग कराया F1 की, F1 क्या था, हेटरोजाइगस कंडीशन थी और टॉल प्लांट था, कैसा बना, प्लांट भी टॉल था। जब इसकी सेल्फिंग होगी, क्या होगी, सेल्फिंग होगी तो ये रिजल्ट मिलेगा कि इधर से दो तरह के गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से दो तरह के मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इसका चेकरबोर्ड बनाएंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा कि ये जब भी फ्यूज करेंगे तो इस टाइप का कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, ये यहाँ से कैपिटल टी था और कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी के साथ हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये वाला क्या हो गया टॉल, ये वाला भी क्या हो गया टॉल, ये भी हो जाएगा टॉल, ये हो जाएगा रिसेसिव या डॉर्फ, डॉर्फ। तो एक हो गया रिसेसिव और तीन हो गए टॉल। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3/4 इजकल टू टॉल फिनोटाइप, 1/4 डॉर्फ फिनोटाइप, डॉर्फ फिनोटाइप। तो फिनोटाइप टॉल ज्यादा है और डॉर्फ का फिनोटाइप क्या है, कम है। तो फिनोटाइप किसका ज्यादा है, यहाँ पे टॉल का फिनोटाइप हो जाता है 75%, इसका हो जाता है 25%। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो हमने क्या सीखा है, तो ये सीखा था कि जो भी F1 जनरेशन का फिनोटाइप होगा दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन, तो यहाँ मिला टॉल फिनोटाइप मिला, तो टॉल फिनोटाइप हो गया F1 जनरेशन का। पहला पॉइंट जो हमने यहाँ सीखा था, देखो ये सीखा था पहला पॉइंट कि F1 का जो भी फिनोटाइप होगा, F1 का फिनोटाइप जो होगा दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये सीखा था कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर ज्यादा नंबर में होगा 70 दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हमें मिला कि ज्यादा ज्यादा परसेंटेज में जो है टॉल वाला फिनोटाइप है, सो टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो बात समझ में आई, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल ने इसको इस तरह से प्रूव किया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। अब फिर भी ये हमेशा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, इसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, क्या क्या है, एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन किस बातों पर डिपेंड करते हैं, क्या है, उन पॉइंटों की बात करें तो हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा देखेंगे पीलियोट्रोपिज, पीलियोट्रोपिज। तीसरा देखेंगे कोडोमिनेंस, तो हमेशा कैरेक्टर्स डोमिनेंट ही ना होता, इनकम्प्लीट भी डोमिनेंट हो सकता है, पीलियोट्रोपिज शो करता है, कोडोमिनेंस भी शो करता है, दी आर द एक्सेप्शन। ये किसके एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शन है,
ये बाद में डिस्कवर करे। मेंडल ने पहले अपना पेपर पब्लिश कर चुके थे, इसलिए ये सब क्या है, ये बनेंगे एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इन सभी एक्सेप्शनों की बात करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये करना है और इसका मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जिसको क्वेश्चन चाहिए मुझे मैसेज करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।